वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, जो जनरल इलेक्शन है, पाकिस्तान के 12वें जनरल इलेक्शन है, और इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गैर सरकारी गैर हतमी नतज की आमद का सिलसिला जारी है। गो के अब आखिरी मराइल में है, लेकिन बात वही होती है कि लास्ट कॉल जब तक नहीं होगी तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी। फिर भी हवा का रुख जो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है उसमें आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सर फहरिस्त है, बतदरीज नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हैं। डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, नतज भी आप तक पहुँचाते जाएंगे। हमें दीगर मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया, उनका तारुफ मैं करा दूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नमूद मुस्लिम साहब, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। सोहेल चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का हिस्सा भी हैं, और अब से तबसरा और तजिया भी लेंगे। जी शाजिया, सोहेल चिश्ती साहब जो हमारी जो रिसर्च टीम है उसका हिस्सा हैं और ख़ुद भी फील्ड में भी जाते हैं, और फैसलाबाद भी इलेक्शन के दौरान इनका चक्कर लगा, और मैं फैसलाबाद के हवाले से सवाल करना चाह रहा था। सोहेल चिश्ती साहब, देखा कि फैसलाबाद सिटी मैनेज नहीं हुआ, आपसे थोड़ी देर पहले हम जो नतज दिखा रहे थे तो आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बलियों पर भी और बड़े बड़े राना सनाउल्ला साहब हार गए, अपसेट हुआ, अब शेर अली साहब हार गए। सो वजह यह थी कि राना सनाउल्ला ग्रुप और चौधरी शेर अली ग्रुप लड़ाई की वजह से यह हारे हैं, कोई और वजह भी देखते हैं? फैसला बिल्कुल शहजाद साहब, एक फैक्टर तो यह है जो आपने अभी बयान किया, तो हम कवरेज के सिलसिले में गए फैसलाबाद, हमने 3-4 हलकों में बड़ा तफसीली विजिट किया। वहाँ पे जो सबसे बड़ा अहम हलका है वहाँ पे ये NA100 नाना सनाउल्ला और इनके साथ डॉक्टर निसार जट थे जो इनके मुकाबले में थे। इस हलके की पोजीशन जो थी वो बाज़ाहिर तो हमें जो हमने वहाँ पे रेड किया था कि मुस्लिम लीग नून स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी, क्योंकि इनका गढ़ रहा है काफ़ी अरसे से, और 2018 में इन्होंने वहाँ से 7 के करीब आई थिंक लूज़ की थी सीटें, लेकिन उसके पहले भी वो कवर करते रहे, और अभी भी हमें ये लग रहा था कि वहाँ पे नून लीग कम बैक करेगी, लेकिन अपसेट हुआ वहाँ पे इनके साथ। NA100 में राना सनाउल्ला की वो पोजीशन नहीं रही, इनके जो मुकाबले में थे डॉक्टर निसार जट, और तीसरी वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून थी सिदरा सईद बंदेशा, तो वो उन्होंने इनको काफ़ी डैमेज किया है। हालांकि बज़ाहिर पॉलिटिकल लोकल जो वहाँ का सिनेरिया था उसमें इनकी आपस में ख़ानदानी चपकलश भी है, लेकिन उसके बावजूद सिदरा सईद ने जो वोट लिए हैं वो राना सनाउल्ला को डैमेज आई थिंक उसका होगा। दूसरा हल्का इसी तरह NA102 था, आबद शेर अली साहब थे वहाँ पे, चंगेज़ खान काकड़ थे, ये PTI के हमायत याफ्ता, तो आबद शेर अली बज़ाहिर लगता था कि परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो भी अपसेट हो। लेकिन आबद शेर अली साहब काफ़ी ऐसा मुल्क से बाहर भी रहे हैं, कुछ वजूहात की बिना पे शायद वो उतना वक्त नहीं दे पाए, उस चीज़ का उनको बिल्कुल वो भुगतना पड़ा है जी, बिल्कुल हल्के से गायब रहे हैं। और तीसरा बड़ा हल्का जो था 97 था, NA97 अलीगढ़ बलोच मुस्लिम लीग नून के और IPP के हमायूं अख्तर खान, लेकिन बलोच साहब जीत जी, बलोच साहब वहाँ पे जीते हैं, मतलब लेकिन मोस्टली सीटें फैसलाबाद में लूज की हैं इन्होंने। ठीक है नमूद साहब, आपने यकीनन आपकी ऑब्जर्वेशन रही होगी, क्या आप तजिया करेंगे इस वक्त जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ मतलब नंबर वन पर हैं, क्या चॉइसेस होंगी उनके पास? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम एक जमहूरी स्ट्रक्चर देखते हैं या हम कहते हैं कि जी हम आयन की बारदस्ती चाहते हैं, तो कम से कम ये एक ऐसा मौका है कि अब ये नहीं कहा जा सकता है जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी है या वो किसी और कोर्ट में पड़ी है, अब सियासतदानों के कोर्ट में बॉल आ गई है, अब उन्होंने फैसला करना है कि हमने इस बॉल को किस तरीके से पार लगाना है। क्योंकि अब अगर ये कहा जा, ये कहते हैं ना कि सियासतदानों को काम नहीं करने दिया जाता, अब ये उनका मौका है कि वो किस तरीके से हुकूमत बनाते हैं, किस तरीके से आगे चलते हैं, और किस तरीके से उसको आगे जो बड़ी दो जमातें कम अज़ कम उनका है या उनके साथ जो अलाइज दूसरी जमातें हैं, कौमी हुकूमत बनाए जो भी बनाई उनका अपना फैसला होगा, लेकिन इस पर जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो आज़ाद उम्मीदवार है। आज़ाद उम्मीदवार के बारे में लोग जितनी भी क्या सराई कर लें जो भी कर लें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक जो PTI की हमारे याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार है, कुछ दूसरे आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि अपनी बात को सड़कों से निकाल कर, एजिटेशन से निकाल कर पार्लियामेंट के फोरम पर बात करने का। पार्लियामेंट वो फोरम है जहाँ पर आपकी बात रिकॉर्ड होती है, जहाँ पर आपकी बात पर अमल हो सकता है। एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन एजिटेशन किसी का हक नहीं है, तोड़फोड़ किसी का हक नहीं है। तो वो जो एक उनका अपना एक जो एक अपना लाया मतलब जो आवाम को कहकर आए हैं कि आप हमें वोट दें, हम पार्लियामेंट में जाके आपकी नुमाइंदगी करेंगे, तो ये सबसे बड़ा मौका यही है उन आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जो खासतौर पर PTI के जो हमायत याफ्ता जिसे कहेंगे कि वो पार्लियामेंट में जाके अपनी बात कर सकेंगे। अगर ये काम वहाँ पर नहीं होता तो यकीनी तौर पर फिर आप फिर तो सारे कहेंगे सियासतदान अपने तौर पर कामयाब नहीं है, सियासतदान नाकाम हो गए हैं। और ऐसा बन के आना जिस वक्त कि एक जमात है जिसके अभी 100 सीटें नहीं हुई हैं, या जनरल कह रहे हैं वो कहते हैं जी हम मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, मियां नवाज साहब की बात कर रहा हूँ,
और जो पीपल्स पार्टी अब अभी तक खामोश है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मुलाकातें उनकी अपनी जगह पे हैं लेकिन पब्लिकली अब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। एमक्यूएम कराची में खड़ी है लेकिन वहाँ पर वो साफ कह रही है कि जनाब हम हुकूमत साजी में मदद करने को तैयार हैं। इसका क्या मतलब है कि चीज़ें अब इन तीनों के दरमियान है लेकिन जो चौथा फैक्टर है ना उसको बीच में लाना पड़ेगा क्योंकि कौमी धारे में अब सबको लेकर आ रहा है आजाद उम्मीदवार। जी जी कौमी धारे में उन मौका है उनके लिए भी आ रहा है, वो एक, एक, एक रिजल्ट हमारे सामने इस वक्त मौजूद है स्क्रीन पे नाज़रीन। ये पंजाब असेंबली पीपी 18 रावलपिंडी का असद अब्बास आजाद उम्मीदवार ये जीत गए हैं 46,295 वोट लेके और सज्जाद खान इनके मुकाबले में उम्मीदवार थे जो 30,640 वोट लेकर रनर अप करार पाए हैं। सज्जाद खान पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके थे और बड़े कम मार्जिन से हारे थे इस दफ़ा। बशारत अली पीपी 11111 फैसलाबाद का ये नतीजा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं 45,575 वोट लेकर कामयाबी हासिल की इन्होंने। 36,349 वोट थे पीएमएलएन के उम्मीदवार के उनके मुकाबले में। एक और नतीजा फैसलाबाद पीपी 110 हसन जका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिन्होंने शिकस्त दी है मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हामिद राशिद को। 46,819 वोट फॉर द विनर और 32,028 वोट रनर अप के हिस्से में आए हैं। पंजाब असेंबली पीपी 84 खुशाब का ये नतीजा है। फतेह खालिक साहब आज़ाद उम्मीदवार 49,820 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और इनके मुकाबले में करम इलाही बंदयाल पीएमएलएन के कैंडिडेट थे जो 35,005 वोट ले पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने था। बलूचिस्तान असेंबली का नाज़रीन ये नतीजा है PB23 आवारान से जहाँ पर खैर जान नेशनल पार्टी के कामयाब हुए हैं 15,635 वोट लेके और अब्दुल कुद्दूस इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे अब्दुल कजूर बजिंजो जिन्होंने 9,233 वोट हासिल किए हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रह चुके हैं। बहुत बड़ा सेटअप है, बड़ा अपसेट है, अपसेट अपसेट बिल्कुल। ये एक मरतबा सिर्फ 500 वोट लेकर जीते थे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी बने थे। सिंध असेंबली का ये हलका है PS 104 कराची मशरकी मोहम्मद दानियाल MQM पाकिस्तान के 30,465 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद जुनेद इनके मुकाबले में रनर अप आए हैं 23,588 वोट लेकर। कराची सिंध असेंबली का एक और ये नशिस्त कराची से PS 102 मोहम्मद आमिर सिद्दीकी MQM के उम्मीदवार 25,330 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद नजीब अयूबी 19,512 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असेंबली NA 11 शांगला अमीर मुकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो जीत गए हैं मशहूर शख्सियत हैं 59,863 वोट लेके और सैयद फरहीन आज़ाद उम्मीदवार थे 54,311 वोट लेकर रनर पर रहे हैं। अर्लियर ट्रेंड जो थे वो अमीर मुकाम साहब की पोजीशन वीक थी लेकिन बाद में कम बैक किया उन्होंने और कामयाब करार पाए। ये एक बड़ा मुकाबला था अमीर मुकाम खान साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सॉली साहब हम जो बात कर रहे थे अभी यकीनन जो आज़ाद उम्मीदवार की तादाद है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं है लेकिन आयन और कानून की रोशनी में वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो बताया है उन्होंने कि आप उन जमातों के साथ जो कि PDM में थे अब PDM 2 अगर बनाने जा रहे हैं ये आज़ाद उम्मीदवार कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे और बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार के साथ हुकूमत बना सकते हैं और आज इशारा एहसाब डार साहब शाम में भी दे चुके हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी बात की है। आज़ाद अरकान के बारे में एक बात बिल्कुल वाज़ह रहनी चाहिए कि आज़ाद अरकान अगर नोटिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप के बाद विद इन 3 डेज डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कोई पार्टी को ज्वाइन करना है तो ठीक है, अदरवाइज उनका स्टेटस थ्रू आउट इंडिपेंडेंट रहेगा और वो जो एडवांटेजेस होते हैं किसी पार्टी के मेंबर होने के पार्लियामेंट ग्रुप बन सकेगा ना खाली पार्लियामेंट ग्रुप बनने का मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी का जो एक एडवांटेज है जो उसका तशख्स है वो बहुत मुख्तलिफ है पार्लियामेंट्री ग्रुप से। पार्लियामेंट्री ग्रुप तो हमने ये देखा है कि विद इन पार्टीज भी बन जाते हैं, उनकी कोई रिकग्निशन नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। हाँ अगर कभी कोई ऐसा पार्लियामेंट्री ग्रुप हो जाए जिसमें बड़े कदावर लोग हों फिर वो उसमें ये होता है कि स्पीकर जो है वो अजराए मरबत कर्सी के तौर पर
उनको सीटें अलग दे। एक बात बहुत अहम है जो मैं चाहता हूँ आप हमें समझा दें, ये वही सियासी जमात ज्वाइन कर सकते हैं जो बैलेट पेपर पे थी। ये नहीं हो सकता कि अपने तौर पे कोई नई पार्टी बना के और उसमें शामिल हो जाएं और फिर क्लेम करें वो बेनिफिट्स जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ये मैं यही तो बैलेट पेपर पे नहीं बल्कि रजिस्टर्ड पार्टी उसमें जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी गलत फहमी है कि जी ये जो लेडीज की और जो माइनॉरिटीज की सीटें हैं रिजर्व सीट जो है वो इनको मिल सकती हैं, वो नहीं मिल सकती, इसलिए कि वो जो लिस्ट होती है वो उस वक्त सबमिट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज जब वो अपने कैंडिडेटर का अपने रजिस्ट्रेशन का और जब इलेक्शन कमीशन उसको इनवाइट करता है। तो वो डेट गुजरे हुए अब तकरीबन डेढ़ महीना गुजर चुका है। लेकिन अगर अपना वेट ये किसी और जमात में डालते हैं तो ऑब्वियसली उस पार्टी की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। अगर उस वोट उसमें डालते हैं तो उसमें ज़्यादा होने की सूरत यह है कि उस पार्टी ने भी लेडीज़ के नाम उस वक्त दिए हों जब इलेक्शन में एक चीज़ है, एक चीज़ है उसमें कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी के हेड हैं और आपने 10 नशिस्तों के लिए नाम दिए हैं लेकिन आप जीत जाते हैं 200 नशिस्तें तो फिर आपको वो अगली 30-35 सीटें मिल सकती हैं। नहीं उस तरह नहीं मिल सकती, वो जो लिस्ट उन्होंने दी हुई है उसमें से मिल सकती हैं। नहीं नहीं ऐसा हुआ है, देखे जब आपकी आपको 2013 की बात याद होगी कि PMLN ने कम नाम दिए थे, उन्होंने दोबारा 5-6 नाम दोबारा दिए, ऐड किया था, ऐड किया था क्योंकि वो उनके पास उनका एंटाइटलमेंट ज्यादा होगी। लेकिन ये टेक्निकल बात आपकी कि अगर एंटाइटलमेंट ज्यादा हो जाए तो फिर तो हो सकता है। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये है कि वो जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं कोई MW वो वायदतुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं, मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई लिस्ट दी ही नहीं है। मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की, उन्होंने लिस्ट दी कोई नहीं है अपनी खवातीन की चुनाव के लिए, क्योंकि देवर नट होपफुल के जी देखिए सर वो लिस्ट देने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, पैसे जमा कराने हैं, सारी चीजें करनी है। अच्छा, एक सवाल है, सॉरी आगे बात जो शाजिया पूछना चाह रही थी कि सूरत हाल क्या होगी। आमतौर पर देखा है कि ऐसे मामला खासा वक्त ले जाते हैं लेकिन वक्त अब कम है, तो आपके ख्याल में जैसे लाहौर आमद हो गई है जरदारी साहब की तो ये जल्दी मामला तय हो जाएगा कि आया इस तरफ जाना है या नहीं? मेरा ये ख्याल है जी कि दोनों मेच्योर पार्टी हैं, मेच्योर लीडरशिप है और वो कोशिश ये करेंगे क्योंकि ऐसी अफहम तफीम हो जाए कि मुल्क चलता रहे, मुल्क चला ये वो ठीक है। आसिफ जरदारी की साहब ख्वाहिश होगी कि उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बने। जो 18 माह की हुकूमत रही है चिश्ती साहब, जो 18 माह की PDM की हुकूमत रही है, लाजमी सी बात है वो बड़ा क्रूशल टाइम था और हमने ये देखा था उस वक्त भी यही बात थी कि वो जो 11 आइडियोलॉजी वाली जमातें रही हैं, नजरियाती इख्तलाफात रहे हैं, उससे क्या उन्होंने सीखा और अब ये जो अलायंस बनेगा इसमें इनको क्या अलग करना पड़ेगा? नहीं यकीनन मैडम वो परफॉर्म नहीं कर सकी 16 माह की जो गवर्नमेंट थी इनकी। और आपको याद होगा 3 दिन पहले बिलावल साहब ने ये बात की है कि हम दोबारा उस कोलेशन उस तरह के कोलेशन में नहीं जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि स्पेशली उन्होंने कहा मुस्लिम लीग के साथ कैबिनेट में बैठना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, रिजल्ट्स हमारे सामने आए वो बड़ी डिफरेंट है। जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए, खबरों में आ रहा है, इसी तरह शायद उनकी कुछ आजाद लोग मुलाकातें भी होंगी वहाँ पे, तो अब ये सूरत ज़रा डिफरेंट होगी। और जैसे नमूद साहब ने कहा कि सब पार्टियों को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना होगा, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, रात मैंने एक निजी चैनल पे पाकिस्तान तरीके साहब के जो मौजूदा चेयरमैन है मिनिस्टर गौर साहब उनकी एक गुफ्तगू सुनी तो मुझे मायूसी हुई उससे। उन्होंने कहा जी कि हम बेशक भले हम 90 सीटें लेंगे, 100 लेंगे, 120 लेंगे आजाद जो हमारे कैंडिडेट है, लेकिन हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कभी मैं नहीं यही अगला सवाल यही पूछते थे कभी नहीं बैठेंगे। ये अगर सोच आती है जी इसमें भी उन्होंने कहा था कि वो हम देखेंगे आगे जाते हैं, तो उस वक्त क्या पोजीशन मेरे सबमिशन में इसमें कुछ डिफरेंट है कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये किसी के डिसिप्लिन में नहीं है। वो गौहर को अपना चेयरमैन किस तरह कहेंगे कि जब गौहर साहब जो है वो तो किसी कागज में ही नहीं है कि वो चेयरमैन है। वो आप ठीक कह रहे हैं, वो पार्टी की हैसियत ही नहीं है, वो डिसिप्लिन में नहीं है नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब ये छीना झपटी शुरू होगी तो आप देखिएगा टू स्टार्ट में तो आपको 20-30 लोग फिसलते नजर आएंगे, जब 20-30 फिसलेंगे तो फिर बाकियों को भी फिसलने की सहूलत हासिल होगी। फिसलना या जाना अलग चीज है, बिल्कुल 100% है, वो होता है, पहले भी होता रहा, बल्कि लोग पार्टियों से फिसलते गए, ये तो फिर भी आजाद आए इसके पास तो 30 के करीब आजाद लोग आए थे जो बाद में पार्टियों में चले गए, यानी कि वो कहते हैं कि मुकम्मल आजाद है। क्या अभी इस हम कहते हैं ना म्यूजिकल चेयर का के मुतामिल हैं, क्योंकि मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, IMF के साथ हमें अगले प्रोग्राम पे जाना है, पूरा इंटरनेशनल डेलीगेशन ऑब्जर्वर यहाँ पाकिस्तान के इलेक्शंस को देख रहा है,
हम पे इतने कर्ज हैं, इकॉनमी को लेके इतने मामलात हैं, गो के केयरटेकर गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इतने कम, क्योंकि उनकी कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं थी। ये तमाम सियासी जमातें अपनी पॉलिटिकल माइलेज को कॉर्नर पे रख के कर सकती हैं पाकिस्तान के लिए? अभी मैं देखें, ये अभी जो है ना काम स्टार्ट हो जाएगा आज रात से और सुबह से। अभी देखें, जो मुझे ऐसे ऐसे फार्मूला नज़र आता है, आपको याद होगा कि जब 2013 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बलोचिस्तान में एक फार्मूला रखा था कि ढाई साल आप वज़ीर आज़म बने, ढाई साल मैं वज़ीर आज़म बनता हूँ। नहीं नहीं, वज़ीर आला नहीं, वो वज़ीर आला का। अब यहाँ ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि ढाई साल शहबाज शरीफ हो जाए या ढाई साल बिलावल हो जाए। अब ये तय कर लेंगे कि पहले किसने बनना है। मुझे ऐसा लगता है और इसके साथ जो पैकेज है गवर्नर्स का, चेयरमैन, ये बचकाना खेल तो थोड़ी है। अब इसके लिए और नहीं नहीं और भी चीजें, ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रेसिडेंशियल स्लॉट है, सेनेट चेयरमैन है, स्पीकर है, ये बार्गेनिंग चिप बन सकती है। लेकिन उससे ज्यादा मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मुल्क का कोई मफाद अजीज है तो इससे थोड़ा सा आगे जाकर निकले। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चल ठीक है, उनके पास और ऑप्शन मौजूद है ना, ऑप्शन तो मौजूद है। ये हवाला तो दे रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक और सनाउल्लाह ज़हरी साहब का, लेकिन आप बहुत बेहतर जानते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, जो मर्जी उनके बारे में लोग परसेप्शन रखें, लेकिन ये आम सियासतदान नहीं है। और इस बात पे भी लोग कहते हैं कि जी बड़ी आपस में सियासी दुश्मनी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कम लोग शायद ये बात जानते हो। सो चीज़ें बहुत सारी ऑलरेडी उनके जहन में तय होंगी। दो पार्टियों के दरमियान COD साइन हुआ था जून 2006 में, इन्हीं पार्टियों के दरमियान COD साइन हुआ था। अगर COD की जो स्पिरिट है उसको ये सामने रखें तो इनको आपस में मिलकर चलना पड़ेगा, इनको आपस में मिलकर चलना पड़ेगा। और अगर ये आपस में मिलकर नहीं चलेंगे, तो ये जो अभी इंडिपेंडेंट आपको 90 नज़र आए हैं, अगली फिर असेंबली में 190 हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सर COD की बात कर रहे हैं ना कि दो यही हैं फैसला करने वाले, फैसला साज हैं। ये बड़ी जमातें हैं ना, तो इन पर जिम्मेदारी भी बड़ी है। अब दोनों जमातें कहते हैं वफाक की जमातें हैं। चलें, मैं सोहेल साहब जरा आप रिजल्ट तो अनाउंस करें, नज़र आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। जी, नया नतीजा आया जी, PP 25 बलोचिस्तान असम्बली का ज़हूर अहमद बलेदी साहब यहाँ पे विनर हैं। 9,999 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि इनके रनर अप हैं जान मोहम्मद, इन्होंने लिए 4,895 वोट। तो अहम नतीजा था। एक और नतीजा हमारे सामने आ रहा है, PK 97 मियाँ निसार गुल, JUI से इनका ताल्लुक है, 21,387 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि इनके रनर अप हैं जावेद इकबाल, उन्होंने 16,839 वोट हासिल किए हैं। एक और नतीजा हमारे सामने आया जी, PK 98 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, मोहम्मद सज्जाद यहाँ पे जीते हैं जी 37,160 वोट लेकर, जबकि मलिक कासिम खान खटक दूसरे नंबर पर आए हैं, 31,853 वोट उन्होंने हासिल। दोनों इंडिपेंडेंट हैं। PK 95 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जीते हैं जी मोहम्मद रियाज, JUI से हैं, इन्होंने वोट हासिल किए हैं 29,379, जबकि इमरान खान इनके रनर अप हैं, उन्होंने वोट लिए हैं जी 23,059 वोट। कुर्रम के हलका। एक और नतीजा हमारे सामने आया जी, खैबर KP असम्बली से 96, PK 96 करम से, अली हादी यहाँ पे जीते हैं जी, इंडिपेंडेंट है, 38,593 वोट इन्होंने हासिल किया, जबकि वसी सैयद मियाँ सेकंड पोजीशन पे है, इनके वोट है 24,874। और ये भी आज़ाद है, ये भी आज़ाद, दोनों आज़ाद ही हुई बार आपस में जी। एक और नतीजा आ गया जी, PK 109 KP असम्बली का, आसिफ खान जीते हैं जी, इंडिपेंडेंट है, 11,519 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हैं सईद अनवर, ये भी इंडिपेंडेंट आज़ाद कैंडिडेट थे, इन्होंने 7,668 वोट हासिल किए हैं। चलिए सुहेल साहब, आप कामयाब हो गए, लेकिन देखा आपने कितना मुश्किल टास्क होता है असेंबली का। नाज़रीन, ये एक और नतीजा है, PK 114 डेरा इस्माइल खान, लुत्फुर रहमान JUI के कैंडिडेट, 30,291 वोट लेकर कामयाब हुए, और शिकस्त दी है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कैसर खान को, जो 27,660 वोट हासिल कर पाए। ये लुत्फुर रहमान साहब मौलाना फजल रहमान के भाई हैं, भाई छोटे भाई हैं जो उनके, बल्कि पार्टी भी यही चलाते हैं ज्यादातर पाकिस्तान के कैंडिडेट 63,812 वोट लेकर कामयाब हुए, और मोहम्मद फारूक नेमतुल्ला को शिकस्त दी है जमात इस्लामी के कैंडिडेट, जो 49,943 वोट हासिल कर पाए और रनर अप करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा।
सिंध असेंबली का एक और हल्का PS120 कराची मगरबी सैयद शफीक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 21,097 वोट लेकर कामयाब हुए और शिकस्त दी है नजर मोहम्मद को, जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो 13,170 वोट हासिल कर पाए। जी नतीज का सिलसिला शाजिया चल रहा है और आपने जैसे भी कहा था कि कुछ और देर लगेगी और सूरत हाल वाजे हो जाएगी कल सुबह तक, कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, इंडिपेंडेंट कितने हैं। सारे जाफिर साहब वेरी क्विकली जी, अभी बात हो रही थी कि ये सारे के सारे वो नहीं है जिनको एक जमात की हिमायत हासिल है, कोई मुख्तलिफ नहीं, अगरचे किसी पर कोई कदगन नहीं है, कोई फैसला करना चाहे तो कर सकता है। सो ये आसान होगा जो ऐसे उम्मीदवार हैं उनको अपनी तरफ खींचना, और ज़्यादा अच्छा काम ये कौन कर सकता है, नून लीग या पीपल्स पार्टी? अर्जिया जी के ये कोई ऐसी स्किल नहीं है कि आप कहें कि ये एक ही शख्स में तफवीज़ हो सकती है। इसमें जब गुफ्तगू होगी तो आपका क्या ख्याल है इसहाक डार की जो सलाहियत कम है आसिफ जरदारी से? उनके चीफ नेगोशिएटर तो इसहाक डार ही है ना, क्लेम भी उन्होंने सुबह किया कि हमारे साथ इतने लोग हैं, इसी तरह आसिफ जरदारी साहब के भी पास लोग हैं वो जो उनसे बात करेंगे। देखिए जी, अगर ये जो आज़ाद अरकान मुंतखब हुए हैं ये उनकी मर्जी है, सबसे पहले अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एन के दरमियान कोई मुफाहमत तय आ जाती है तो उसके बाद फिर आज़ाद उम्मीद और कान जो हैं उनकी जो सौदाकारी की हैसियत है अहमियत तो कमज़ोर पड़ जाएगी। सौदाकारी नहीं, अहमियत कम, अहमियत कम, सौदाकारी ना, नहीं सौदाकारी को इतना बुरा लफ्ज नहीं है, सौदाकारी को अंग्रेजी का एक लफ्ज है बार्गेनिंग, ये उसका मुतबादल है और पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग ही होती है। अगर आपको सौदाकारी का लफ्ज बुरा लगता है चलिए हम बात में मफाद में फैसला करना चाहिए जो भी करें, ये ज्यादा अच्छा, जहाँ कोई चीज आपको फिट ना नजर आए वहाँ कौमी मफाद डाल दी। फाइनल कॉमेंट आप दोनों अगर क्विकली देना चाहिए। इसमें सिंपल यही एक चीज सामने है कि दोनों का फैसला अगर होता है जो आप सबको नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा इनको इंडिपेंडेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों की कोशिश यही होगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लेकर जाएं ताकि दूसरी पार्टी के ऊपर, जैसे अगर पीपल्स पार्टी कुछ आज़ाद ले लेती है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा कौमी हुकूमत में आने का हिस्सा पकड़ने का। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि जो जितनी जमातें हैं, JUIF हो गई, इसी तरह जो महमूद खान है, नेशनल पार्टी है, कुछ बलोचिस्तान से है, KP से है, वो उनकी तरजीह होगी कि हम जो हैं ये PMLN की जानिब जाएँ, तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी है अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई पावर का फार्मूला शेयर कर लेंगे। JUIF की परफॉर्मेंस एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं JUIF पे आता हूँ बाद में। वो ये है कि अभी जो बात की थी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साले जाफर साहब ने कि इन पे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है इंडिपेंडेंट पे कि वो जा सकते हैं या नहीं जा, असल इशू ये है कि वहाँ पे PTI वालों ने एक हल्फ लिया हुआ है अपने उम्मीदवारों से, साइन करवाया उनसे कि आप पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, कानूनी पाबंदी नहीं, नहीं कानूनी कोई पाबंदी। इस वक्त हमें अपने पैनल को से इजाजत नहीं होगी, सोले साहब आपका बहुत शुक्रिया, सोहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा कि एंकरिंग का काम कितना मुश्किल होता है। ठीक है, आप हमारे साथ आप मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया सर बाबर साहब, और हमारे साथ नमूद साहब थे, आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, अपने पैनल से इजाज़त चाहूंगी, आप हमारे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद, अल्लाह हाफिज़। ज़ारा अलर्ट, बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें।
ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, इगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। हिंदू इंतहा पसंद भारत में ज्ञानवापी मस्जिद समेत मुतद्दिद मसाजिद को शहीद करने के शैतानी मंसूबे पर अमल पैरा हैं। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में हिंदुत्व के पुजारी भारत में हजारों मसाजिद की जगह मंदिर तामीर करने के दर पे हैं। भारतीय अदालतों ने मसाजिद पर हिंदुत्व की यलगार को हमेशा तहफ्फुज फराहम किया है। हिंदू इंतहा पसंद भारतीय मुसलमानों का वजूद मिटाने पर तुले हुए हैं। भारत में मुसलमानों की हालत इजार ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। कुरान करीम की अगर कहीं भी तौहीन की जाती है, किसी भी अतबार से तौहीन की जाती है, तो उस तौहीन का जवाब देने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लें। अगर कुरान की तलावत नहीं करते तो कुरान की तलावत को अपने मामूलात का हिस्सा बनाइए। अगर तलावत करते हैं तो उसको तर्जमे और तफसीर से बनाकर अपनी ज़िंदगी का तर्जमे से और तफसीर से सीख कर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। जहाँ इससे आप अज़मत कुरान को बयान कर रहे होंगे, जहाँ इससे आप दुनिया को ये बता रहे होंगे कि अगर कोई कुरान करीम की महाज अल्लाह चंद औराक को शहीद करके ये समझता है कि इसकी अज़मत को नीचा कर रहा है, तो उम्मत मुस्लिमा तो इसके साथ जुड़ती चली जा रही है, वहाँ पर यह आपकी भी दुनिया आखिरत के लिए बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बॉक्स ऑफिस के साथ एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त एमन जमान, जहाँ आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज, आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें, टॉप 5 हॉलीवुड मूवीज, म्यूजिक बस्ती धमाल और बहुत कुछ। ये सब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस में। सो कीप वॉचिंग बॉक्स ऑफिस ओनली ऑन पीटीवी होम। कयामे पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुवत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है। तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। मुश्किलात तो बहुत थी ज़ाहिर माजूरी के साथ। जैसे कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो 12वें जनरल इलेक्शन की जो ट्रांसमिशन है, जिसे कहा जाए कि मेगा मैराथन ट्रांसमिशन,
इसको मुस्तकिल आप दो दिन से देख रहे हैं, लेकिन नाज़रीन ये दो दिन जो हैं ये तकरीबन बहुत सारे महीनों पर मुहित रहे, क्योंकि ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए सिर्फ मैं या मेरे को होस्ट या दीगर मेरे जो एंकर पर्सन हैं या हमारे रिपोर्टर्स हैं वो ही सामने नहीं आते, बल्कि उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा एक आप ये समझे कि एक ऐसे हाथ मौजूद होते हैं जो एक चीज़ को प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने में की रोल अदा करते हैं। आज हम क्योंकि ट्रांसमिशन का इख्तिताम होने वाला है तो हम चाहते हैं कि हम अपने इख्तिताम से पहले उन लोगों का तारुफ कराएं जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन मुमकिन हो सकी है। राइटली सेड शाजिया, और इसमें पूरी टीम एफर्ट है, सैकड़ों लोग हैं जो इस ट्रांसमिशन को पहुंचाने में जिन्होंने मदद की और ये इसको मुमकिन बनाया, और सबका एक किरदार है, चाहे एंकर हो, चाहे यहाँ पे हमें जो चाय और कॉफ़ी हमें पिला रहे हैं वो हों, बहुत एफर्ट की है, बड़ी मेहनत से उन्होंने और बड़ा टाइम दिया है, और बहुत से हज़ारे तो ऐसे लोग हैं कि जो दो या तीन दिन से घर ही नहीं गए और मुसलसल ऑफिस में रह के उन्होंने इस चीज़ को मुमकिन बनाया है। और बगैर वक्त ज़ाया किए आपका मैं अपनी टीम से तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ बैठे हैं गुलाम मुश्तबा अब्बासी साहब, हेड ऑफ करंट अफेयर्स हैं और बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं बहुत सारे मामलों में जब भी कहीं फंस जाएँ। वसीम जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं और इस सारी ट्रांसमिशन के इंचार्ज भी हैं। वसीम जमाली साहब, मुश्तबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जाने बिलाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। हमाद अहमद सैयद साहब सीनियर इंजीनियर हैं, आप हमारे साथ में आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच, और इतनी एफर्ट की आपने। गुलाम मुश्तबा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये खाली एक दो दिन का काम नहीं है, कई महीनों से आप इसको सोच रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, सेट से लेके लाइट क्या होनी चाहिए, कपड़े क्या पहने, पीछे क्या हो, ग्राफिक्स कैसे हों, कितना वक्त लगा, कितने आवर्स लगे, कितनी मेहनत हुई इसमें? बहुत शुक्रिया। ये जो दो दिन की ट्रांसमिशन हमने मुमकिन बनाई अपनी टीम की मदद से, इसके पीछे तकरीबन तीन महीने की हमारी मेहनत शामिल थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि केयर टेकर सेटअप में इलेक्शंस होने हैं, तो उसके लिए क्योंकि पाँच साल के बाद बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें अवाम को अपना हक राय दही इस्तेमाल करके अपने हुक्मरान मुंतखब करने होते हैं, अगले पाँच साल के लिए अपने मुल्क की सिमत का तयन करना होता है, अवाम का ये हक होता है, तो हमारी भी चूँकि बीइंग स्टेट ब्रॉडकास्टर हमारी ये कोशिश होती है कि अवाम को एक इन्फॉर्म डिसीजन तक पहुंचाने में उनको जितना हम सेंसिटाइज कर सकें, जितनी हम उनको बेहतर से बेहतर मालूमात फ्राहम कर सकें ताकि वो एक ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन करें अपना वोट डालते हुए, तो इसके पीछे तकरीबन तीन महीने पहले से हमने इसकी प्लानिंग और काम करना शुरू कर दिया। और इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी जो लीडरशिप है मिनिस्टर साहब सोलंकी साहब उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी थ्रू आउट हमारी रहनमाई करते रहे, हमारी चेयरपर्सन शाहिरा साहिबा वो भी हमारी रहनमाई करती रही इस मामले में, थोड़ी पूरी उन्हें हमें उनकी हमें सपोर्ट हासिल थी। फिर मुबशर तौकीर साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी साहब, उनका इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमें हर चीज़ में फैसिलिटेट किया। और लेट नाइट वो आते भी रहे जी, बिल्कुल कल रात भी वो पूरी रात यहाँ पे हमारे पास मौजूद थे और उनकी जो निगरानी में हमने ये सारा कुछ किया। इसमें हमारे कंट्रोलर इंचार्ज चौधरी सलीम साहब, डायरेक्टर न्यूज़ आरफ साहब, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, डायरेक्टर फाइनेंस, तमाम डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल, उनका बहुत रोल है क्योंकि एडमिन एंड पर्सनल आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है तमाम चीज़ों में। तो इन सब लोगों ने इस चूँकि एक मेगा इवेंट है ट्रांसमिशन के वाले और से और पाकिस्तान की जो है बड़ी रिस्पांसिबिलिटी और उसमें सर वजन कितना गिरा आपका, सच सच बताइएगा। पहले ही नहीं है, वजन पहले भी को बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन यकीन इन कुछ दिनों में खासतौर पर आखिरी 8-10 दिन जो है ना, एक तो भाग दौड़ भी बहुत हुई है और फिर लेकिन हेड्स ऑफ बहुत ज़बरदस्त, ये अगर हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें, बल्कि आप देखते तो रहते होंगे ये जिप शॉट पे, आप पूरा एक ह्यूज जो है स्टूडियो है और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, हमारे कैमरामैन हैं, बहुत सारे स्टाफ हमारा वहाँ पर खड़ा हुआ है। और जो बात की इन्होंने चाय वाले की, तो शहजाद ने चाय वाले भाई को इतना तंग किया, वो चाय लेकर आता था वो कहते थे नीचे मुझे कॉफी पीनी है, वो बेचारों की दौड़ हमने लगाई। चलिए हैट्स ऑफ टू देम। जमाली साहब, अभी शाजिया ने जिक्र किया जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेट मीडिया में थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो नहीं, पीटीवी में जहाँ पर काम करना एक एजाज की बात है, वहाँ बहुत बर्डन भी फील होता है, जिम्मेदारी आपको है, मोहतात रहना है, स्टेट ब्रॉडकास्टर हैं, सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप कितने इसमें संजीदा रहे, कितने मोहतात रहे, कैसे किया ये प्रेशर करना था? अच्छा, पीटीवी के लिए जो इलेक्शन की ट्रांसमिशन दोहरी जैसे एक तरीके से जिम्मेदारी है, एक तो बरवक्त इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और फिर उसमें एक्यूरेसी को बिल्कुल एक्यूरेट होना, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है इलेक्शन के मामले जो होते हैं। तो हमने जब इलेक्शन की ये ट्रांसमिशन डिज़ाइन की तो हमने ये कोशिश की कि चारों सूबों से यहाँ पर नुमाइंदगी हो, हमारे पैनल में एनालिस्ट जो थे वो चारों सूबों से थे, हमने जो होस्ट सिलेक्ट किए वो भी चारों सूबों से थे, और हमने पूरी ट्रांसमिशन में इस चीज़ को बिल्कुल मयार को, जो कि पीटीवी का तुराए इम्तियाज़ है हमेशा के आला मयार को बरकरार रखना,
उस पर हमने कोशिश की कि पूरा उतरें, और हमने न्यूट्रल होके जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे थे एज इट इज़ वो हमने पहुंचाए, और उसके साथ साथ जो हमारे एनालिस्ट थे वो इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस शेयर करते रहे। उसमें मेरे जो प्रोडक्शन की टीम है जो मेरे साथ थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है किरदार अदा किया कि रात दिन जो है 40 घंटे की ट्रांसमिशन वो सेंटर पे रहे, घरों में नहीं गए, और अभी माशाल्लाह ये लम्हा जो है यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत बेशक बिल्कुल ठीक। लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल है, इनके बगैर तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। आप कुछ पूछना चाहिए, आपका सर क्या एक्सपीरियंस था, कितनी मुश्किलात पेश आईं, कितनी आसानियां रहीं, पुल सिराट कितने तय किया आपने? ये एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, कोई भी प्रोडक्शन जो होती है एक एग्जीक्यूशन उसको करना जो है वो इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी होती है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो चूँकि इस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि उस एडवांसमेंट को मीट करने के लिए, और हमारा जो कि कंपटीशन दूसरे प्राइवेट चैनल से और दूसरे चैनल से भी होता है, तो इसलिए परफेक्शन जो है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन। आपने देखा होगा कि ये जो हमने जितनी एक मेगा ट्रांसमिशन दी है इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई फ्लॉ या कोई टेक्निकल ब्रेकडाउन या कोई ऐसा नहीं हुआ। और फिर ये है कि अब पहले सारा कुछ जो एक सिलसिला होता था वो विद इन द स्टूडियो हुआ करता था, अब फील्ड जो है उसमें भी बहुत सारे हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं और वो तमाम एक्टिविटीज़ जो होती है वो इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी होती है कि वो अप टू द पैनल जो है वो लेकर आए और फिर वो यहाँ से एक प्रोसेस हो के और वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, ताकि उसमें मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो ऐड हों, ना सिर्फ ये कि स्टूडियो की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हों बल्कि फील्ड में क्या हो रहा है, लोग किस तरह जो है वो वोट डालने जा रहे हैं या उनके क्या ख्यालात हैं या उनका जो भी मतलब आप आउटफील्ड के अंदर डिस्कशन हो रही होती हैं, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वो हमारी मुख्तलिफ टीम्स होती हैं जो कि टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं कि हमारी DSNGs रहते हैं, हमारा TVU सिस्टम है 3G 4G, लाइव व्यू हमारा मोबाइल यूनिट है, फिर हमने एक हमारी जिम्मेदारी थी बीइंग अ स्टेट टेलीविजन के जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वहाँ से हमने लाइव उनका जो रिजल्ट्स थे वो हमने यहाँ पहुँचाने थे, तो हमारी एक बहुत ह्यूज टीम जो है राउंड द क्लॉक फ्रॉम द डे फर्स्ट वहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश हुई हुई है और वहाँ से सिग्नल्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ये HD सेटअप जो है ये अरेंज किया है, ट्रांसमिशन अरेंज किया है। मैं थोड़ा सा आपका टाइम चाहूंगा, मैं दोबारा आता हूँ, जरा मैं साथ हमाद साहब को भी शामिल कर लूँ ताकि उनको भी बात करने का मौका मिल जाए। हमाद साहब एक तो टीम की स्ट्रेंथ बता रहे थे वो, और दूसरा ये कि ये सारे का सारा स्टूडियो डिजाइन करना, वर्चुअल सेट, इसमें इंजीनियरिंग के साथ IT डिपार्टमेंट का भी बड़ा किरदार है, बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन से दोनों ये डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, इस पर भी जरा रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। एक तो जैसे आप सब ने जिक्र किया कि एक स्टेट चैनल के नाते एक यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक, क्योंकि कंपटीशन भी होता है स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड के तहत, तो हमें एक, क्योंकि ये PTV न्यूज़ HD चैनल है तो HD ब्रॉडकास्ट के लिए आपको क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होती है किसी भी सूरत, चाहे वो कैमरे की तरफ से हो, चाहे वो ऑडियो क्वालिटी हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी हो, और वो व्यूअर्स जो घर में बैठ के देख रहे होते हैं उन तक पहुँचाने तक ये सारी जिम्मेदारी इंजीनियरिंग की तरफ आती है। तो बेसिकली इसमें ये व्यूअर्स के लिए तो एक जस्ट एक स्क्रीन होती है, लेकिन आप एक ह्यूज सेटअप एक रन थ्रू कर रहा होता है जिसमें इंजीनियरिंग है, IT है, आपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए वहाँ पे है, और इंजीनियरिंग के फिर सब डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। आप अगर स्टार्ट करते हैं फील्ड से तो वहाँ पे DSNG यूनिट्स हैं, वहाँ पे एक DSNG की रिप्लेसमेंट्स हैं, TVU जो स्मार्ट्स 3G 4G बेस यूनिट्स हैं उनकी भी एक स्मार्ट रिप्लेसमेंट है, जो आप जो ब्रॉडकास्ट रिपोर्टर्स यूज़ करते हैं या बाकी वो एक मोबाइल के थ्रू भी इवन अपना जो मैसेज है ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में ऑन HD फॉर्मेट में वो यहाँ पर लैंड करते हैं और लोगों तक वो पहुँचता है। तो उसी तरह उसी के प्रोसेस को आगे जो फर्दर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसमें एडिटिंग हमारा स्टाफ वो होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा ठीक, और ये जो आपने इतना बड़ा इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ये स्टूडियो है इसको मैनेज करना और इतने टफ टाइम में इतने फुल कैपेसिटी के साथ, तो ये इट्स एक ये सारी क्रेडिट जाता है सारी टीम का जो हमने इसमें इम्तिजाज देखा है। मैं समझती हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो मुल्क से बाहर भी हैं तो वो जब कंपेयर कर रहे होते थे तो वो कहते थे कि PTV के जो चूंकि एक स्टेट चैनल है
और सबसे ऑथेंटिक खबरें देता है, मुसद्दिक खबरें देता है, और ज़्यादातर लोग जो जब सही खबर देखना चाहते हैं तो वो ट्यून पीटीवी न्यूज़ को ही करते हैं। लेकिन जो अब वेरिएशन आ गई है इसमें भी पाकिस्तान टेलीविजन दीगर प्राइवेट चैनल्स को बीट कर चुका है। नो डाउट, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने चाचा। बड़ी टीम है, इतने डिपार्टमेंट्स, उनको मैनेज करना मतलब एक आसान काम नहीं है, तो वो टीम यकीनन हम चाहेंगे भी उनसे तारुफ भी हो जाए। अच्छा एक तो शजिया प्लीज, मैं एक और जो आम डिपार्टमेंट है जिनका बहुत अहम रोल था, क्योंकि ये एक वर्चुअल और फिजिकल सेट का एक कॉम्बो था। इससे मैं आपने देखा होगा कि हमारा जो ग्राफिक्स थे बहुत खूबसूरत, जो ग्राफिक्स लोग अपने घर की स्क्रीनों पर देख सकें वो 3D इफेक्ट के साथ थे, और 3D उनकी तीनों डायमेंशंस थी, और उसके लिए जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है IT का, उनका बड़ा अहम रोल था उसमें। जो सेट वाले लोग थे, हमारा क्रिएटिव लैब थी, IT के लोग थे, सर्वर रूम था, जो नेटवर्किंग के लोग थे, इस वक्त भी हमारी नेटवर्किंग की टीम जो ECP में जो इलेक्शन कमीशन रिजल्ट्स उनको प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिक फाइनल रिजल्ट्स जो प्रोवाइड करता है वो वहाँ से फीड करते हैं, और इंस्टेंटली वो यहाँ पे हमारी टेलीविजन की स्क्रीन के जरिए लोगों तक पहुँचे हैं। तो उनका बहुत आम रोल था। मैं चाहूँगा कैमरा डिपार्टमेंट जो हमें आप सब तक दिखाता है, लाइटिंग के लिए सुहेल शेख और नज़ीर हमारे लोग हैं, उन्होंने शॉट पे हम देख भी सकते हैं कि पूरा सेट जो है दिखाया भी जा रहा है। और मैं स्टाफ से चाहूंगा कि वो सारे लोग भी आ जाएं हमारे पास, नजर आ रही है तो नाजिश को भी, ये मेरा ख्याल है कि ग्राफिक्स और वो स्टाफ से मैं कहूंगा इन सब लोगों का रोल है इस तरफ से हमारे साथ आ जाएं, पीछे हमारे साथ खड़े हो जाएं। ये उस टीम के में से चंद लोग हैं जिन्होंने इस इतनी बड़ी ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाने में अपना किरदार अदा किया है। आम तरीके मैं चाहती हूँ कि इन सब के लिए इन सब के लिए जबरदस्त है वो, और मैं चाहूँगा कि मैं बारी बारी तमाम डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करूँ। इसमें हमारे क्रिएटिव लैब का मैंने जैसे जिक्र किया, उसके जो हेड हैं अली नजफ, उन्होंने बहुत आम काम किया, उसमें सुहेल साहब, सफदर साहब IT के MIT हैं, उन्होंने बहुत आम रोल प्ले किया, कंट्रोलर IT हैं हेड ऑफिस से, उसामा उनकी पूरी टीम, उन्होंने बहुत आम रोल प्ले किया, इंजीनियरिंग के चूँकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, हेड ऑफिस ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, IT की पूरी टीम, कैमरा डिपार्टमेंट तो है ही बहुत आम कलीदी है जिन्होंने हमें दिखाना होता है, कैमरा डिपार्टमेंट, उनके लाइट्स के लोग, सुहेल शेख साहब हेड ऑफिस से हमारे लाइटिंग के लिए आए हुए थे, नज़ीर अहमद अली हज़ारा साहब हमारे चीफ कैमरा मैन हैं, उनका बहुत आम रोल था इसमें, डायरेक्टर फाइनेंस और फाइनेंस की टीम जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद थी उनका बहुत आम रोल था, बहुत क्रिटिकल रोल था जिन लोगों ने इस सेट के अलावा पूरे PTV के प्रीमिसेस को साफ़ सुथरा रखा, सैनिटरी के लोग, हमारे माली, गार्ड्स, ड्राइवर्स, उन सब का इसमें बड़ा आम रोल है। इससे पूरी ये जो चीज़ आपने तकरीबन 42 घंटे से ज़्यादा की ट्रांसमिशन लोगों तक बराह रास्त नॉन स्टॉप पहुँचाई है, तो ये इन सब लोगों की जो मेहनत है उसके वजह से मुमकिन हुई। आउटडोर टीम्स, रिपोर्टर्स, एंकर्स, बहुत से एनालिस्ट जो बाहर से आए और उन्होंने अपने तजिए पेश किए, उसके अलावा इंटर्नीज थे हमारे पास, कुछ वॉलंटियर्स थे जो यहाँ पे इवन सेट के ऊपर भी आके वो मौजूद थे, वो काम कर रहे थे, हमारे कॉल सेंटर एक बना उसमें उन्होंने बड़ा आम कॉल सेंटर में रोल प्ले किया, रिसर्चर्स, कोऑर्डिनेटर्स, यानी कि पूरी टीम है जिसने इसमें काम किया है, मेकअप के बहुत आम लोग हैं जिन्होंने मैं अपना मेकअप लेकिन बाकी नो डाउट हमारे मेकअप सेट डिज़ाइन के लोग जो है ना जिन्होंने बनाया, इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने उनको शॉर्ट नोटिस दिया, चूंकि ये चीज़ें होते होते इम्प्रोवाइजेशन होती रहती है, बेहतरी के चक्कर में हिना और क्रीम, उनकी पूरी टीम ने बहुत आम रोल प्ले किया है इसमें। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो मेहमान बाहर से आए हैं, ख़ासतौर पे कोयटा से, कराची से, पेशावर से, जैसे बताया जमाली साहब ने कि खूबसूरत गुलदस्ता सजाया गया, इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का बहुत आम कलीदी रोल था इसमें, पावर के लोग हैं इसमें, इसके अलावा DSNG के आउटडोर लोग हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारे जो केबल के लोग हैं, एक अहम रोल जो था वो जिब ऑपरेटर हैं हमारे जमील और नसीर, लगातार 12 घंटे नॉन स्टॉप वो खड़े रहे हैं और उन्होंने अपनी जिब ऑपरेट की है, और बहुत खूबसूरत तरीके से आपको ये सेट उन्होंने दिखाया, इसका फिजिकल एलिमेंट भी दिखाया और वर्चुअल एलिमेंट दिखाने में भी उनका बहुत आम रोल था। सेट के जो वर्चुअल के हमारे 3D आर्टिस्ट हैं अदनान, उनका बड़ा आम रोल है, और मैं इन सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर किसी का नाम मैं मेंशन करने से रह गया हूँ तो चूंकि वक्त कम है और जितना मुमकिन हो सकता था मैं, और मैं और शहजाद भी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हम हमारे जितने भी एंकर्स यहाँ पर आकर दो और मैं शुक्रिया अदा करूँ, मेरी प्रोडक्शन टीम जो है ना राउंड द क्लॉक, उन्होंने भी फिलहाल ऐसे इसको बनाने में आम किरदार अदा किया, प्रोड्यूसर आपको पता है इसको पैनल पे यार हमें दिखा रहा है, हमारी कंट्रोलर थी साइकी, वो खातून थी हमारे में, वो भी रात देर तक 2-2, 3-3 बजे तक हमारे साथ यहाँ मौजूद रही, और वो हमें और हमारी जो एंकर्स वर्चुअल सेट पे 4-4, 6-6 घंटे खड़े होकर उन्होंने लगातार वहाँ से आपको ग्राफिक्स के साथ ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई है, खूबसूरत तरीन ग्राफिक्स थे, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन उनकी अपनी भी थी, इस वक्त नाजर से उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके अलावा हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है जिसने
राउंड दी क्लाक जो भी यहाँ से ना सिर्फ इस मेगा ट्रांसमिशन पर, इससे प्रीवियस जो इलेक्शन रिलेटेड ट्रांसमिशन थी, हमने 24 दिन लगातार एक ट्रांसमिशन की है। उस ट्रांसमिशन की टीम ने बहुत अहम रोल प्ले किया और हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है जो यहाँ पे मौजूद है, जो हेड ऑफिस में मौजूद है, उन्होंने भी वो तमाम मालूमात तमाम लोगों तक पहुँचाने में, क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत काम उसके ब्यूरोज थे और हमारे कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा और जो छोटे ब्यूरोज हैं, स्ट्रिंगर्स का बड़ा अहम रोल था। उन्होंने हमें राउंड दी फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान उन्होंने हमें इलेक्शन वाले दिन पोलिंग के मनाजर भी दिखाए, लाइव रिपोर्टिंग भी की, एज लाइव रिपोर्टिंग भी की और विजुअल भी भेजे हमें। उसके अलावा भी अगर मैं किसी को मेंशन करने में, मैं चूंकि जो जो याद आ रहे हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। न्यूज़ रिपोर्टर्स ने हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन किया, बड़ा अच्छा था उनका कंट्रीब्यूशन, लाइव रिपोर्टिंग करते रहे वो इलेक्शन के दिन भी, कोशिश रही है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक, हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स का मैं मेंशन पहले कर चुका हूँ और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक ये जो इलेक्शन की इलेक्शन हुआ है, जो इंतखाब हुआ है इस मुल्क में, इस मुल्क के लिए खैर और बरकत का बायस हो। इस मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है ऑन साइड, ये चाहे इसके अलावा बाहर जितने लोग थे उनको, चूँकि 24 घंटे काम हो रहा था, चाहे काफ़ी खाना सब कुछ हमें पहुँचाने में उनका बड़ा आम रोल था। उसके अलावा उन्होंने हमारी यहाँ टीवी के अंदर रहश का भी बंदोबस्त कर रखा था कि थोड़ी देर अगर कोई आराम करना चाहे, थक जाए, तो उनका बड़ा आम रोल था। तो आखिर में मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगा, पूरी कौम से गुजारिश करूँगा कि बहुत आम मरला था पाकिस्तान को, बड़े बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का इस वक्त सामना है, खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, उन सब चैलेंजेस में बड़ा ज़रूरी है कि पूरी कौम यकसू होकर और काम 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 का जो स्लोगन है ना कायदे आज़म का, उसके अलावा काम पे ज़्यादा फोकस रखें, आप तबसरों तजियों और जो हमारे एनालिसिस हैं उनसे बाहर आएँ, पूरी कौम कंट्रीब्यूट करे, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस मुल्क में इंशाल्लाह अज़ीज़, और इंशाल्लाह हम 5 साल में इस मुल्क को बहुत आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आखिरी एक बात ये करना चाहूँगी कि हम हमेशा जो है वो चीज़ों पर बात करते हैं लेकिन इंडिविजुअली हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ये नेशन बिल्डिंग का भी टाइम है, अगर हम अपने हुक्मरानों से या अपनी हुकूमत से या किसी से भी कोई उम्मीद रखते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें अपनी तरफ से आगाज़ करना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, इन सब की ही अंतक मेहनत से ये ट्रांसमिशन जो है ये मुमकिन हो पाई है। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो शायद टीवी पे और स्क्रीन पे नज़र नहीं आते, लेकिन ये हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमें तो फिर भी बहुत कम टाइम मिलता है, रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इन्होंने 24/7 काम किया और आज से नहीं कर रहे हैं, ये 3 महीने से कर रहे हैं। मुश्तबा साहब, मुझे इतनी खुशी हो रही है ये सोच के कि चलो कभी कोई एंकर नहीं आ सका तो आप उसकी जगह पे जो है वो जगह ले सकते हैं आप। माशाल्लाह आप बोलते बहुत अच्छा है जी, बस। तो अब मेरा ख्याल है क्लोजिंग टाइम हो रहा है और मुश्तबा साहब गोल्ड मेडलिस्ट है जी, ये मुझे अभी बताया। चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे बहुत सारे हीरे यहाँ पर हैं, ऐसे बहुत सारे फूल यहाँ पर हैं। एक और डिपार्टमेंट जिसको मैं भूल गया, वो हमारे ट्रांसमिशन के लोग जो राउंड दी क्लॉक फ्लॉलेसली सेकंड टू सेकंड वो रिकॉर्ड भी रखते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो ट्रांसमिशन है टीवी की स्क्रीन को अगर वो 24 घंटे चलाए रखते हैं, टीवी की स्क्रीन अगर ब्लैक हो जाए कुछ सेकंड, एक सेकंड के लिए भी, तो एक जो हलचल मच जाती है तमाम जगहों पे। तो जो हमारे ट्रांसमिशन के लोग हैं ना वो भी बड़े अहम हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा अगर किसी का नाम मिस हो गया हो तो मैं माजरत चाहूँगा, सबके लिए सबका कंट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्ट के लोग, ड्राइवर, सब ने छोड़ा जी, मैंने कोशिश की है कि सबको रखा जाए। नहीं, बड़ी अच्छी बात है जी। और मैं बजाते खुद कराची से यहाँ आई हूँ और ये मेरा दूसरा घर है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन जितनी मोहब्बत, जितनी अपनाइयत यहाँ से आप सब लोगों से मिली उसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिस तरह नाम लिया MD साहब से लेके जो बिल्कुल हमारे गार्ड तक के लोग हैं, सबकी एक एक सबकी अंतक मेहनत थी और इस अंतक मेहनत के बाईस ही आप इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन को देख सके हैं, इतने खूबसूरत लोगों को देख सके हैं, पैनल यहाँ पर आया, ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो सके इन सब की कोशिश की वजह से। तो मैं चाहूँगा कि सबके लिए एक दफ़ा क्लैपिंग हो जाए मेरी तरफ से, जो लोग साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन के लिए भी एक क्लैपिंग हो जाए, ये इस इदारे की वजह से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और नाज़रीन, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी ट्रांसमिशन। आपने देखा 3 महीने से जब से इलेक्शन का के सिनेरियो बन चुका था तब से इसका आगाज़ हो चुका था। इलेक्शन कैंपेन हमने दिखाई, फील्ड पे क्या हुआ वो हमने दिखाया आपको, ट्रांसमिशंस हमने चलाई और प्रोग्राम्स आपने उस हिसाब से देखे। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन आपने देखा कि वोट कास्ट कैसे हुआ, उसके बाद जो है जो पोस्ट इलेक्शन का सिलसिला है जो कि अभी जारी रहेगा, उसमें भी आप टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न को सबसे आगे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये कि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये जो मेहनत हमने की है इसका हमें नतीजा मिले और हमारा पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम रहे,
तो पाकिस्तान के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए। लेकिन एक जो हमारी एंकर हैं उनको हम नहीं भूलें, नाज़िश हमारे साथ मौजूद हैं आर्काइव पे और वर्चुअल पे, तो नाज़िश ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया शाज़िया जी, जैसे कि आप सब मेरे साथ भी देख सकते हैं और शहजाद और शाज़िया के साथ भी जो हमारी टीम है, इन्हीं की बदौलत ये सारा कुछ रंग लाया है, सब कुछ आपको डिलीवर करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। सो एक बार फिर से इन सब के लिए बहुत बहुत तालियां, और स्पेशली मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को भी याद रखना चाहूँगी जिनकी बदौलत हम इतने प्यारे भी नज़र आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ द एफर्ट्स दैट मेड दिस यू नो ट्रांसमिशन वेरी सक्सेसफुल, थैंक यू सो वेरी मच। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इंतखाबात के नतीजे में जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होंगे, जो मुंतखब हमारी हुकूमत होगी, हमारी दुआ है कि वो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से ओहदा बरा होने में भी कामयाब हो, और हमारी यही दुआ है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। इसके साथ ही हम सब आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।